रॉयल एनफील्ड BS6 बाइक में अगर रियर सीट ओपन कर रहे हैं एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350cc न्यू मॉडल BS6 बाइक है। और इस बाइक का यहाँ पे देख सबसे पहले तो बात कर देखिए, यहाँ पे सीट में भी लुकअप चेंज है, सीट का भी थोड़ा मॉडिफाई चेंज कर दिया है यहाँ पे। यानी अभी हम बात कर लेंगे कि यहाँ डबल सीटेज मिल रहा है आपको, तो डबल सीटेज में फायदा क्या होता है कि एक सीट को हम खोल करके नॉर्मली सेट भी कर सकते हैं, ताकि बाइक का जो है रियर से पीछे से थोड़ा लुकअप बढ़ जाता है। तो इस सीट को ओपन कैसे करना है, ओपन करने के बाद आपको एक प्रॉब्लम आएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टोटल स्टेप आपको इसी वीडियो के अंदर बतलाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं से भी आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो सीट ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पे ये जो सॉकर में एक बोल्ट लगा है यहाँ पे 17mm का रिंग स्पिनर से, इस नट को आपको खोलना है, इसको ढीला कर लेना है थोड़ा। उसके बाद आप यहाँ पे 12mm का टी रिंच लेकर के आप इस बोल्ट को खोल करके बाहर निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी थोड़ा इस नट को आपको ढीला करना है, खोल करके बाहर बिल्कुल नहीं निकालना, इस नट को आपको थोड़ा ढीला कर लेना है। चलिए हम फटाफट से इसको खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम एक तरफ हम 17mm का रिंग स्पिनर फिट करते हैं, उसी तरह दूसरे तरफ हम 17mm का डाल रिंग फिट करेंगे, जिसको हम लोग पाना भी बोलते हैं। इस नट को देखिए थोड़ा आपको ढीला कर लेना है यहाँ पे। देखिए लंबा वाला भी हमने यहाँ पे बोल्ट को ओपन कर लिए हैं, और देखिए दोनों ही तरफ का लेफ्ट राइट साइड का इस बोल्ट को ढीला कर लिया। अभी तो सीट को आगे पीछे करके देखिए इस तरह से प्रॉपरली, यहाँ पे देखिए फाइनली सीट जो है खुल करके बाहर निकल गया, सीट खुल करके बाहर निकल गया। अब रियर देखने में कितना अच्छा लग रहा है, अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से तो हमने एक बोल्ट को ओपन कर लिया। अब देखिए जैसे सीट को दबाएंगे तो सीट नीचे की तरफ दब रहा है, देखिए दब गया नीचे की तरफ। नीचे की तरफ दबने के बाद सीट देखिए यहाँ फ्यूल टैंक के पास गैप आ गया, काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया। अब यहाँ से खटखट का साउंड भी आएगा। अगर आप लोग पुराना वाला बोल्ट को फिट की जाए तो बोल्ट फिट नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, दूसरा बोल्ट लेकर के इस नट के पास आपको सेटिंग करना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको बतलाए थे कि सीट ओपन करने के बाद एक जुगाड़ करना पड़ता है। इससे पहले जो पुराना मॉडल बाइक था उसमें नॉर्मली आप सीट ओपन कर देते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अभी जो BS6 बाइक आया है उसमें सीट ओपन कीजिए तो आपको एक दूसरा बोल्ट यहाँ पे फिट करना पड़ेगा, अन्यथा आपका सीट से खटखट का साउंड आते रहेगा। चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए दूसरा जो यहाँ पे बोल्ट है, हम देखिए इस तरह का छोटा बोल्ट लिए, अब इसके अंदर हम इसको प्रॉपर सेटिंग कर देते हैं। देखिए प्रॉपर ये आगे, अब यहाँ पे हम इसको नट टाइट कर देंगे ताकि ये सीट नीचे की तरफ दबे ना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इस नट को हमने प्रॉपर टाइट कर लिया। आप देखिए सीट के पास जो यहाँ पे फ्यूल टैंक और सीट के बीच में गैप आ रहा था, गैप भी प्रॉपर मेंटेन हो गया। आप जब भी बाइक का रियर सीट को ओपन करते हैं उस टाइम आपको यहाँ पे दो बोल्ट लगाना है, लंबा वाले बोल्ट को खोल करके बाहर निकाल लेना है, उसके जगह आपको छोटा सा दूसरा बोल्ट फिट कर देना है। तो इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।